गुड आफ्टरनून सर, माय हॉलीडेज टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। माय हॉलीडेज में हमारे पास सभी तरह के टूर अरेंज किए जाते हैं। तो आज जो हमारे समक्ष आए हैं प्रणव सर और ओमकार सर, ऑलरेडी ये हमारे विजिट क्लाइंट है। ऑलरेडी इन्होंने हमारे से कई तरह के ट्रिप प्लान किए हैं। तो आज ओमकार सर का जो प्लानिंग है वो हनीमून ट्रिप के लिए हम लोग प्लान करने जा रहे हैं। तो उसमें उत्तराखंड की सबसे पहली चॉइस है सर की, जिसमें नैनीताल, मसूरी और जिम कॉर्बेट है, और सेकंड ऑप्शन फिर हम शिमला कुल्लू मनाली के बारे में देखेंगे। तो डिस्कस कर रहे हैं आज हम इटनरी के हिसाब से 5 नाइट 6 डेज नैनीताल, मसूरी, जिम कॉर्बेट। सर, ये जो आपका टूर है ये हमारा पूना टू पूना ही रहता है, जैसे आपको पता है। सिर्फ इसमें टिकट्स हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किए हैं, टिकट्स आप लोग बताएंगे बाय ट्रेन या बाय एयर, ठीक है सर? Yes. लेकिन जो हमारा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में पहुंचने के पहले हम आपको गाड़ी नंबर, ड्राइवर नंबर एक दिन पहले दे देते हैं। जो गाड़ी आपको दिल्ली से पिकअप करेगी वही गाड़ी वापस आपको दिल्ली में ड्रॉप करेगी। जब तक अपना टूर फिनिश नहीं होता है तब तक गाड़ी और ड्राइवर ओनली फॉर ए कपल। इसके पीछे रीज़न आपको पता ही है, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी मोस्ट प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं जो भी क्लाइंट हमसे यहाँ से जाए सबसे पहले उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और सेकंड थिंग, जो वहाँ पे आपके साइट सीन है वो प्रॉपर वेल प्लान प्राइवेसी कार से हो, ताकि आप ट्रिप को प्रॉपर इन्जॉय कर सको। इसलिए उसमें प्राइवेसी रहना भी हनीमून कपल में मतलब बहुत ज़रूरी है, राइट सर? तो इसमें हमारा जो टूर स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, डे फर्स्ट में हमारी गाड़ी ड्राइवर आपको पिकअप करेगी। हम लोग जो ट्रैवल टाइम है इसका बाय कार, ये लगभग मिनिमम 7 से 8 घंटे ये वो ट्रैवल टाइम है, लेकिन एक्चुअल टाइम वो ज़्यादा लगता है। रीज़न क्या है, क्योंकि आप बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हैं, रास्ते में चाय नाश्ता पानी है, खाना है, तो इसकी वजह से टाइम एक मतलब आप 9 से 10 घंटे अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हैं। क्योंकि टूरिस्ट है आप अपने हिसाब से इंजॉय करते हुए जाएंगे, कहीं फ्रेश होना है, आपको फोटोग्राफी है, कुछ वीडियो है, कोई साइट सीन आपको अच्छा लग रहा है ऑन द वे, क्योंकि नेचर, ब्यूटी, माउंटेन ये सब आपको मसूरी के ऑन द वे में देखने वाले हैं। इसका जो हाइट है लगभग 2000 मीटर ये सी लेवल से पकड़ा जाता है सर, एज पर टूर इटनरी में आपको गाइड कर रहा हूँ सर। तो ये सी लेवल से है मसूरी में, आपको कैसे वहाँ पे जो रेंज है हिमालय की वो भी ऑन द वे आपको दिखाई देता है, हिमालयन पीक्स जो बोलते हैं, ये वेस्टर्न गढ़वाल में आता है। और आपको रात हो जाएगी तो रात को आप होटल में स्टे करेंगे। पैकेज के अंदर हमारी तरफ से आपको ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड किया जाएगा सर। जहाँ भी आप होटल में ठहरते हैं सुबह का नाश्ता, रात का खाना अपना पैकेज में रहेगा, ठीक है सर? तो मतलब रात तक आप होटल में पहुंच जाएंगे, दूसरे दिन आप सुबह का ब्रेकफास्ट लेके लोकल साइट सीन मसूरी में चले जाएंगे। इसमें जो आपको हाईलाइट्स में पॉइंट्स दिए हैं वो केम्प्टी फॉल्स है, यानी कि वाटरफॉल है, मॉल रोड है वहाँ भी, जो साइट सीन के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है, केबल राइड है, तो केबल राइड आपका अपना रहता है, आपको करना या नहीं करना वो जगह पर आप डिसाइड कर सकते हैं सर। और उसके बाद हम मंदिर वहाँ पे है सुकंदा देवी का, तो उसके दर्शन के लिए जाएंगे। तो मतलब ये मेजर पॉइंट्स है, वैसे छोटे मोटे पॉइंट ऑन द वे और भी होते हैं जो जगह जगह पे गाड़ी रोक के आपको उसमें साइट सीन में कवर किए जाएंगे सर। तो ऐसे ये पूरे डिटेल में यहाँ पे इसमें आपको ये बताया गया, जो हाईलाइट्स के पॉइंट है सारा पॉइंट आपका इसमें नेचुरल ब्यूटी के साथ ये सब कवर किया जाएगा सर। और ओवरनाइट स्टे आपका सेम फिर मसूरी में ही होगा, यानी कि फर्स्ट दो नाइट जो स्टार्टिंग में है हम लोग मसूरी में स्टे करेंगे, ठीक है सर? उसके बाद मसूरी से हम लोग चेकआउट हो जाएंगे, कॉर्बेट के लिए निकलेंगे। तो ये भी ट्रैवल टाइम है, लगभग 6-7 घंटे की आपकी जर्नी है। तो ये जो कॉर्बेट है ये नेशनल पार्क है सर, यहाँ पे सभी तरह के मतलब जो प्राणी है अपने वन्य प्राणी जो बोलते हैं वो सभी तरह के जीव जंतु यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन टाइगर का कैसा होता है वो आपको भी मालूम, नेशनल पार्क है। अगर आप ऐसे इस तरह की सफारी होती है जैसे उधर देख रहे हैं आप पीछे टाइगर वाली, तो ये अगर बुक करते हैं तो उसमें 90% चांस नहीं देखने का मिलता है, 10% ही चांस होता है जिसमें आपको देखने के चांस रहते हैं। क्योंकि वो शेर है कब जंगल में किधर घूम रहे हैं, कहाँ सोए हैं अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि कैसा है, अगर मान लीजिए आपका जू है तो जू के अंदर तो एक लिमिटेड एरिया होता है, उसके अंदर आप सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं होता है, वो एरिया काफ़ी बड़ा होता है, जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, तो उसमें मालूम नहीं पड़ेगा कि वो किस टाइम कब कहाँ आप उसको देख पाओगे। लेकिन लोग फिर भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जाते हैं सफारी बुक करते हैं और नेशनल पार्क का जो सफारी का आनंद है वो उठाते हैं। बाकी आपको सब तरह के जो एनिमल्स है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे मान लीजिए इधर फिशिंग कैट है, जंगल कैट है, वहाँ अपना वाइल्ड बोर है मतलब अपना जो भालू बोलते हैं, लंगूर है या मंकी है या अपना मगरमच्छ वगैरह जो बोलते हैं
मुंगूस है, ये सब तो एनिमल वहाँ पे रेगुलर मिलते ही मिलते हैं, लेकिन टाइगर की ये गारंटी देना ज़रा डिफिकल्ट है सर। तो इस तरह से ही आपका सारा दिन इसमें घूमने में जाएगा। ये नेशनल पार्क है जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये ओवरनाइट स्टे आपका होटल के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे वन नाइट स्टे आपका कॉर्बेट के अंदर, ठीक है सर। उसके बाद कॉर्बेट से हम लोग चेकआउट करेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये मतलब नियर बाई है नैनीताल वहाँ से, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटा पकड़ के चल सकते हैं, 70 किलोमीटर फिर भी 3-3.5 घंटे पकड़ के चलो आप। तो उसमें वाइल्ड लाइफ सफारी जीप नैनीताल अनविजित भीमताल एंड सतल, ये वहाँ के हाईलाइट्स के जो मतलब मेजर पॉइंट्स ये है आपके जो पूरा डिटेल में नीचे दिए गए हैं सर। तो यहाँ भी जीप सफारी है लेकिन उसके लिए अलग से कॉस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपीज़। अभी शायद ये इटनरी जूना है, अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो ऑनलाइन से वो मालूम पड़ जाएगा सर एक्चुअल प्राइस कितना है। तो 6 सीटर यानी कि आपका शेयरिंग के हिसाब से वो सफारी का चार्ज होता है, 6 सीटर ये आपकी सफारी रहती है सर। तो उसमें आपका कपल मतलब शेयरिंग में चला जाएगा, लेकिन जो उनके चार्जेस है सफारी के तो वो एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि वो शेयरिंग में कपल के लिए आएगा वो अमाउंट, जो क्योंकि सिंगल सफारी का अमाउंट दिया हुआ है तो और लोगों के साथ वो कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा, बराबर है सर। तो इस तरह से आप बाकी के जो पॉइंट है वो भी हम लोग हमारे गाड़ी ड्राइवर पॉइंट टू पॉइंट हर जगह पे लेके जाएगा, जैसे भीमताल है आपका नक्की लेके यहाँ पे नैनीताल में, वो सब इसके अंदर अपना कवर किया जाएगा सर। वो ग्लास जैसे दिखता है वही लेके ना, हाँ वाटर का, हाँ एकदम ब्लू जो वाटर, यस सर यस सर। तो उसके बाद यहाँ पे ये सब करने के बाद 7 लेक्स लिखा है इधर, 7 लेक्स एंड ब्यूटीफुल सराउंडिंग, मतलब वो तो नेचर तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है सर यहाँ। उसके बाद हम होटल में आ जाएंगे, नैनीताल में स्टे करेंगे, दूसरे दिन नैनीताल से मुक्तेश्वर नैनीताल, ये लोकल साइट सीन हम लोग कवर करेंगे जिसमें ओल्ड शिवा टेम्पल है, मेजेस्टिक हिमालय पार्क है पे, और थोड़ा एक छोटा चर्च जो अंग्रेज़ों के ज़माने, क्योंकि पहले हर जगह इंडिया में अंग्रेज लोगों का शासन तो चर्च ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाते हैं सर, तो यहाँ भी चर्च है। तो वो व्यू पॉइंट बाई केबल कार, अगर आपको और आगे जाना है तो इधर रोप वे भी है जिसे आगे हिमालय का नेचर जो ब्यूटी बोलते हैं ना मुक्तेश्वर के आगे, तो वो रोप वे से जा सकते हैं। तो इसमें पूरा वो डिटेल में सब बताया गया है, नीचे उसको ब्रीफ किया गया आपको जो पॉइंट के बारे में कि जो आपका शो व्यू पॉइंट बाई केबल कार है, तो केबल कार के लिए एडिशनल चार्जेस है एक्चुअली। तो उसके बाद रिटर्न आप सेम होटल पे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारा पैकेज बनता है 6 दिन का, और लास्ट वाले दिन आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट ट्रांसफर टू दिल्ली एयरपोर्ट आइदर रेलवे स्टेशन। तो फिर ये जर्नी आपका कम से कम 8 से 9 घंटे का है सर, घाट सेक्शन है पूरा तो टाइम लगता है नीचे आने में। तो ये जो प्रोग्राम है पूरा इसमें हमारे पैकेज के अंदर आप पहले समझे कि किस तरह का आपका इंक्लूजन है, मतलब गाड़ी हम आपको प्राइवेट देंगे 6 दिन के लिए ओनली फॉर ए कपल, ठीक है सर। उसमें गाड़ी के साथ आपके होटल आएंगे जो मिनिमम हमारे 3 स्टार सिमिलर होटल होते हैं, इससे कम हम लोग होटल कहीं भी किसी गेस्ट को प्रोवाइड नहीं करते, होटल अच्छे चाहिए, यस सर अच्छे ही देंगे। और उसके साथ में आपको ब्रेकफास्ट एंड डिनर ये आपका बुफे में रहता है, अनलिमिटेड फूड रहता है, और ऑल टैक्सेस पैकेज में इंक्लूड रहेंगे, से टोल है, पार्किंग है, ड्राइवर बताए, टूरिज्म टैक्स है, ग्रीन टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, स्टेट परमिट वगैरह सब इसमें इंक्लूड है, हिडन कॉस्ट कुछ नहीं है। इसमें 2 चीज़ आपकी मेन नहीं है पैकेज के अंदर, एक आपका लंच नहीं है सर, और दूसरा आपका पर्सनल एक्टिविटी, जैसे आप सफारी ले रहे हैं या केबल राइड ले रहे हैं या मिनिमम कोई एंट्री फी म्यूजियम वगैरह है या फोटोग्राफी या शॉपिंग है, ये सब आपका पर्सनल में आता है, कहीं हॉर्स राइडिंग है या रिवर राफ्टिंग वगैरह भी आप इसमें कहीं कर रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल एक्टिविटीज में जगह पे जो चीज़ आपको लाइक है आप जगह पे उसको पे करके अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं सर। तो इस तरह से जो होटल भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो कपल कॉस्ट है इसमें 2 तरह का है, ए 3 स्टार सिमिलर है, ए प्रॉपर 3 स्टार है सर, 3 स्टार प्लस पकड़ सकते हैं, तो 2 ऑप्शन है सर इसमें। और जो 90% क्लाइंट है फर्स्ट ऑप्शन में हमारे सेटिस्फाइड है सर, जैसे आप पहले भी हमसे गए हैं तो हमारे होटल का एक ग्रेड है सर, तो उसके नीचे तो हम किसी को देंगे नहीं, 90% क्लाइंट उसी में जाते हैं और खुश होकर रिटर्न आते हैं, पर कभी कभी कोई कोई क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन हाई रहता है सर, तो इसके लिए हम लोग कैसे सेकेंड ऑप्शन रखते हैं मान लीजिए, तो उसमें मतलब 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको हाईली एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा अगर अपने को पैसा बचाना है तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि अपने को नीट एंड क्लीन डिसेंट टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड गर्म पानी ठंडा पानी गीजर व्यवस्था सब पैकेज में है, तो फिर अपने को कैसा है रहने के लिए डिसेंट है फैमिली एटमॉस्फेयर है तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओके सर, पर अगर अपन हाईली एक्सपेक्टेड है तो डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है सर। मैं दोनों के आपको होटल भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का इसका होटल रहेगा, अगर आपको उसमें कुछ चेंज लगते हैं मैं मेल करूँगा डिटेल ये सब आपको,
तो थोड़ा आप टाइम लीजिए उसके हिसाब से, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए सर कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। ये कैसा है मतलब वहाँ पे स्टेट वाइज जैसे भी आप जाते हैं तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से मैक्सिमम होटल मतलब कंस्ट्रक्शन होता है, बराबर है सर? तो ऐसे ये कल्चर है वहाँ के हिसाब से जो बने हुए हैं, ये बाहर से व्यू है होटल का, ठीक है सर? और ये अलग अलग एंगल से जितनी भी फोटो है उसी की है, अलग अलग एंगल से खींचा हुआ है। और ये आपकी अकोमोडेशन है जिसमें डिलक्स कैटेगरी का रूम आपका आता है। ये सब फोटो जो देख रहे हैं आप उसी के, सिर्फ इसमें पर्दा बेडशीट कलर चेंज होगा टाइम टू टाइम, लेकिन आपको मिलेगा ऐसा ही नीट एंड क्लीन, डिसेंट टॉयलेट बाथरूम अटैच, गर्म पानी ठंडा पानी, गीजर व्यवस्था सब इसके अंदर आपको मिलेगी। ये सब फोटो उसके ही है सर। ये कहाँ के लिए होटल? नैनीताल का है सर। बराबर नैनीताल का। नैनीताल से बर्फ दिखता है क्या? नैनीताल से बाहर के हिमालयन रेंज दिखेगी। तो उस साइड ही है क्या इसके विंडो? विंडो नहीं, वैसा नहीं बोल सकते, वो आप ऑन द वे ट्रैवलिंग में देख सकते हैं सर। ऐसा मतलब यहाँ से वो रोटेशन में रूम कौन सा मिलेगा वो बताना डिफिकल्ट है पहले। तो वैसे रिक्वायरमेंट रहेंगे तो वैसे नहीं बुक कर सकते? वैसा पूछना पड़ेगा एक बार होटल वालों को, पूछ के हम आपको बता सकते हैं कि सर ऐसी रूम की अवेलेबिलिटी है या नहीं, ठीक है सर? लेकिन अगर आप मनाली वगैरह जा रहे हैं, शिमला में तो नहीं मिलेगा हिमालय व्यू, मनाली से मिलेगा सर। तो मनाली में वो होटल में आपको दे सकता है जो स्नो कवर्ड माउंटेन, क्योंकि वो उसको बालकनीज है। इनका क्या बालकनीज नहीं है तो विंडो से वो सब रोटेशन में दिखता है नहीं दिखता, पहले पूछना। मेरे पैकेज में था वही होटल देंगे। अपना कौन सा था सर? बड़ा टेरेस था होटल को अटैच, चर्च के बाजू में था शिमला में। शिमला में, अच्छा अच्छा। फिर वो दूसरा अब याद नहीं है सर, आपका कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। ये कॉर्बेट का है सर। कॉर्बेट में मैक्सिमम कॉटेज टाइप है, टेंट टाइप है प्रॉपर्टी, स्विमिंग पूल वगैरह फैसिलिटी है उसके अंदर, ठीक है? तो ये इस टाइप का आपका सेपरेट कॉटेज टाइप या ऐसा इस तरीके इनका इनका ही पार्ट है बिल्डिंग भी। अच्छा। हाँ जी, तो ये सब उसका ही रूम्स है, अलग अलग जो फोटो आप देखेंगे सब 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 उसके ही फोटोज है। ये फर्स्ट ऑप्शन में है? ये फर्स्ट ऑप्शन में है सर, मतलब डिसेंट है सर। आप मतलब सेटिस्फाइड हो गए इतना ऑलमोस्ट मुझे जानकारी है, क्योंकि 90% क्लाइंट हैप्पीली रिटर्न आते हैं सर उसमें। सिर्फ एक ही होता है पहले, अगर आप पहले अच्छे होटलों में ठहरे हैं 3-4 स्टार में, तो इस वक्त इतना कंफर्ट नहीं होगा, फिर इससे अपर कैटेगरी का चाहिए, 4 स्टार कैटेगरी का ऐसा है। और दूसरा कैसा होता है सर, डेस्टिनेशन वाइज ना होटल भी अलग अलग मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोकण में जाते हैं तो इधर थोड़ा सा अलग ही मिलते हैं, पुणे का अलग है, बॉम्बे का अलग है कि नहीं? ये इसके अंदर के आप रूम देख सकते हैं कॉटेज के अंदर, ये टाइप की इसकी अकोमोडेशन है, पूरा वुडन है, बांस वगैरह जो बोलते हैं ना इंटीरियर बांस वगैरह, क्योंकि वो कैसा है वो अलग है कि जरा वहाँ का कल्चर डिफरेंट है सर। ये सब उसके ही फोटो है सर, अलग अलग एंगल से खींचे, ठीक है सर? और अभी मैं आपको सर ये अपना मसूरी का है सर, ये बाहर से व्यू है उसका होटल का, अलग अलग एंगल से फोटो जो भी खींचे है, नाइट व्यू डे व्यू, ये देखिए आप जूने और पुराने सब मतलब नए सब उसमें फोटोज मिक्स है सर। यही होटल में रूम रहेगा? हाँ यही होटल में रूम रहेगा। उसमें अगर इनकी ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको मालूम इसका अल्टरनेट ऑप्शन हमारा और अपग्रेडेड होता है, इससे नीचे नहीं आएगा ग्रेड, ये पक्का है, ये गारंटी है। ये सब उसके रूम है सर। मतलब रूम कैसे फैमिली के हिसाब, सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, सेफ एंड सिक्योर है सबसे बड़ी बात फैमिली के हिसाब से। और फूड का भी कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, ब्रेकफास्ट और डिनर आपका जो रहता है ना हाइजीनिक रहता है सर। होटल दीप मसूर, सिर्फ वही है जो पर्दा बेडशीट कलर चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, क्योंकि फोटो पे अपडेट लेटेस्ट नहीं रहता है, वो वेबसाइट पे भी लेटेस्ट नहीं रहता है। हालांकि वेबसाइट पे सर और ज़्यादा अच्छा दिखता ही, मैं वेबसाइट की फोटो आपको दिखाता नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा लेविश बनाया होता है उन्होंने डिज़ाइन करके,
तो मैं क्या है जो रेगुलर सादे ओल्ड फोटो भी रहेंगे ना वही दिखाते हैं ताकि वहाँ पे जाने के बाद आप ज्यादा अच्छा बैठे, इससे अच्छा मिला तो कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं आता, इन शॉर्ट ही है और मिलता ही है क्योंकि जूनियर रहते हैं पिक्चर और वेबसाइट में मॉडिफाइड रहते हैं सर, वो और अच्छे से अट्रैक्टिव प्रोफेशनल फोटोग्राफर लेके वो फोटो बनाते हैं वेबसाइट के लिए, तो हम वो नहीं दिखाते कभी वेबसाइट क्लाइंट को क्योंकि क्या होता है इधर वो लेविश दिखा रहे हो, उधर वो लेविश उतना नहीं हुआ तो ये चीज़। हाँ व्यू अच्छा है सर, हिल स्टेशन है ना सब, इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट आपको व्यू मिलता है, देखिए होटल होटल भी ये सब ऐसा नीचे से ऊपर इसका इसका ही पार्ट है सारा, ये आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है सर। वो कैसे अलग अलग एंगल से फोटो खींचे है ना, तो कभी ये कॉर्नर दिख रहा है, कभी उसका नीचे से ये देखो पूरा ऐसा दिख रहा है ऊपर चढ़ने के लिए होटल भी पीछे का पार्ट दिख रहा है अलग, ये जूना रहेगा बहुत फोटो ये, ठीक है सर। इस तरह का ये पूरा कंप्लीट अपना पैकेज हो जाएगा, लास्ट में हम आपको दिल्ली ड्रॉप दे देंगे, दिल्ली से आप रिटर्न महाराष्ट्र पुणे आ जाएंगे बाय ट्रेन या बाय एयर, वो आपका चॉइस रहेगा, मैक्सिमम आप शायद एयर करेंगे, फ्लाइट का ही रहेगा सर। और कुछ क्वेश्चन है सर इस ट्रिप से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं सर, ठीक है। ये तीनों जगह का मान लो मैंने ये ऑप्शन बताया है होटल के, इनकेस अगर इनमें अवेलेबिलिटी नहीं है तो और बेटर आपको हम देते हैं सर। तो अभी दूसरा अगर आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ शिमला कुल्लू मनाली का, तो अगर वो आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ सर। ये अपना शिमला कुल्लू मनाली चंडीगढ़ सर, ये 7 दिन का टूर बनेगा आपका, पूना से दिल्ली, दिल्ली से पूना बाय एयर आपका प्लान रहेगा, इसमें भी सेम वैसा ही होगा, ट्रांसपोर्ट यूजिंग में आपको सेपरेट कार मिलेंगी, जब तक अपना टूर फिनिश नहीं होता तब तक एक ही गाड़ी एक ही ड्राइवर, ना आपकी गाड़ी बदलेंगे ना ड्राइवर बदलेंगे, ट्रिप आपका कंटिन्यू चलता रहेगा 7 दिन तक, गाड़ी ड्राइवर ओनली फॉर ए कपल। सेकेंडली जो होटल रहेंगे इसमें भी आपका 3-स्टार सिमिलर होटल आएगा जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर पैकेज के अंदर इंक्लूड रहेगा, इसमें स्टार्टिंग में 2 नाइट आप शिमला में स्टे करेंगे, उसके बाद आप कुल्लू मनाली चले जाएंगे, कुल्लू मनाली का साइट सीन करने के बाद लास्ट वाला नाइट चंडीगढ़ में स्टे करेंगे। चंडीगढ़ कैसा है सर, बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवलिंग पार्ट नहीं तो हैक्टिक होता है, तो चंडीगढ़ में हमें एक हॉल्ट लेना पड़ता है, उसके बाद चंडीगढ़ से सर आपको दिल्ली में हम लोग ड्रॉप दे देंगे। तो 7 दिन के लिए ये अकोमोडेशन रहती है हमारी, और अकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट डिनर है, सेपरेट कार है और टोल पार्किंग ड्राइवर बता स्टेट परमिट ड्राइवर टूरिज्म टैक्स ग्रीन टैक्स लग्जरी टैक्स सब इसके अंदर इंक्लूड है। प्लस यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि कैसे सर 12 महीने चलने वाला सेक्टर है, तो यहाँ पे एक केरला है और एक शिमला मनाली जिसमें बाय डिफॉल्ट हनीमून किट हर लोग देता है, तो इसमें आपको बाय डिफॉल्ट ये किट मिलती है जिसमें 1 नाइट बेड डेकोरेशन है, कैंडल लाइट डिनर और हनीमून केक। इस तरह का ये 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपकी जो टूर इटनरी है, डे फर्स्ट से दिल्ली से आप शिमला जाते हो तो ये भी डिस्टेंस है सर, जैसे इधर आपका 7-8 घंटे था 8 घंटे, तो इधर भी अप्रॉक्सीमेटली 8-9 घंटे पकड़ के चलो सर। हाँ ये ब्रिटिश कालीन सिटी है, 47 से अंग्रेज जमाने की ये सिटी बरसाई गई है, कैपिटल हिमाचल प्रदेश की तो आज है ये, लेकिन एक टाइम पे ये समर कैपिटल इंडिया की थी पूरी, जिस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया में था वो टाइम पे शिमला की राजधानी थी ब्रिटिश कालीन में, समर कैपिटल, तो वो लोग यहाँ पे शासन करते थे तो उन्होंने ये शिमला को बसाया है, जैसे चर्च वगैरह सामने आप देखेंगे तो ब्रिटिश कालीन चर्च, आप गए होगे आप देखा होगा चर्च आप वहाँ पे मॉल रोड पे। तो इसमें भी कैसा सर ऑन द वे आप नेचुरल ब्यूटी जो बोलते हैं ना, चंडीगढ़ तक तो प्लेन रेड है, चंडीगढ़ आपका एंड होता है उसके बाद अपना घाट सेक्शन हिमाचल स्टेट स्टार्ट होता है, तो फिर आपका नेचुरल ब्यूटी बाई डिफॉल्ट आपको देखना शुरू हो जाता है। रात तक इधर भी आप होटल में पहुँचते डे फर्स्ट में ओनली ट्रैवलिंग है, ऑन द वे जो होता है सिर्फ वही है नेचुरल ब्यूटी का और करते हैं। रात तक आप पहुँचते हैं तो होटल में अपना स्टे मिल जाता है सर, इसमें भी डिनर अपना पैकेज में इंक्लूड है, आप डिनर करते हैं रेस्ट करते हैं, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके कुफरी करके लोकल साइट सीन में पॉइंट्स आता है सर। तो ये नियर बाई में वो लगभग ये 1.5-2 घंटे की जर्नी है, 1.5 घंटा पकड़ो आप 16 किलोमीटर के आसपास है, तो कुफरी में आप चले जाते तो यहाँ पे जो लोकल साइट सीन एज पर टूर इटिनरी हमारी गाड़ी ड्राइवर आपको पॉइंट टू पॉइंट सब जगह पे लेके जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा है हिमालयन नेचर पार्क, ग्रीन वैली या फागू वैली,
उफरी, फनवर्ड, ये सब आपको हमारी गाड़ी ड्राइवर पॉइंट टू पॉइंट लेके जाएंगे सर। चाइना बॉर्डर, हाँ वो टेलीस्कोप से वहाँ से चाइना बॉर्डर टॉप वगैरह दिखता है सर। हाँ वो टेलीस्कोप पॉइंट है ऊपर उफरी में, यस सर। और सामने नाग टेम्पल है वहाँ पे, ये एक्चुअली हमारे कुल देवता का मंदिर है वहाँ पे, हमारे खानदान के जो वही मंदिर है। हाँ नाग टेम्पल है सर, आपको याद आ रहा होगा। तो ऐसा है सर। उसके बाद ये आप सिटी में आ जाएंगे, ये हाफ डे में ऑलमोस्ट हो जाता है। फिर मॉल रोड है शिमला का, स्कैंडल पॉइंट है, चर्च है, या राम बाजार, लोअर बाजार वगैरह, कुछ शॉपिंग अगर आपको करना है। वैसे जनरली शॉपिंग कम करना चाहिए टूरिस्ट प्लेस में, बिकॉज ऑफ कॉस्टली रहता है, अपने इधर वो सब चीज़ें मिलती है। तो वैसे जनरली वहाँ पे इतना मतलब, हाँ ठीक है कुछ थोड़ा आइटम गया तो कुछ ना गिफ्ट वगैरह, हाँ वो लेके आए तो उसके लिए ठीक है। पर ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस पे क्या होता है सर, आपको पता ही है पहले से कि वो कॉस्टली मिलता है ये चीज़। तो सेम होटल पे रिटर्न आ जाएंगे सर। उसके बाद आप जाओगे मनाली, शिमला से चेकआउट हो जाएगा सर डे थ्री में। इसमें भी आपका जर्नी है, लेकिन इसमें कैसे ऑन द वे पॉइंट्स है, जैसे योगी माता टेम्पल है, वैष्णो देवी का सब टेम्पल है, कुल्लू आएगा आपका राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग पॉइंट है ऐसा, तो वो करना, यस सर। तो ये ऑन द वे आप चाहो तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और शाम, इसमें भी शाम हो जाती है सर, क्योंकि पूरा घाट है ना ये, तो रोड कंडीशन पहले से तो अभी बेटर हुई है। अभी कैसा सर, वो सिंगल रोड था ना, अभी टू वे हो रहा है, बहुत लेन मेरे टाइम पे तो एकदम कच्चा रोड था, वो कच्चा रोड था, उन्हें काम चालू रहेगा शायद। हाँ। यस सर। अच्छा वो कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो गया, थैंक यू सर। तो उसके बाद आप ऑन द वे ये सब साइट सीन, पंडोर डैम मंडी में आता है सर, ये सब हनोगी माता टेम्पल, ये सब वैष्णो देवी का सब टेम्पल है, एक्चुअली मेन तो कटरा में है लेकिन ये सब टेम्पल है। तो वो सब कवर करते हुए रात तक आप कुल्लू के रास्ते मनाली पहुंच जाएंगे। मनाली में अपना टोटल तीन नाइट है, डे फर्स्ट में आपका जर्नी हो गया सर, रात को मनाली में स्टे, डिनर अपना पैकेज में, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके लोकल साइट सीन, जैसे मान लीजिए पुणे दर्शन लोकल, वैसे मनाली का लोकल दर्शन, वहाँ पे जो पॉइंट्स एज पर टूर इटिनरी है ये भी सब कवर करेंगे सर आपका। जैसे अडिम्बा टेम्पल है, मनु विलेज है, विशिष्ट विलेज है, देवी चिन्ह मोनेस्ट्री है, आर्ट है, आर्ट गैलरी है, इधर भी मॉल रोड है सर। तो अडिम्बा टेम्पल पण खूप पिक्चर मध्ये असते, तो टेम्पल तुम्ही मराठी मध्ये बोलू शकता सर इंटरनल ऐसा तो बहुत मूवीज में वो एक्चुअली शूटिंग हुआ है सर। नहीं ये पॉइंट भी देखने जैसे, देखने जैसे छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन एडवेंचर राइड है इसमें, किसमें एडवेंचर राइड पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है, पर है बहुत लोकेशन। हाँ, वो तो शिमला में भी आपको फनवर्ड वगैरह जो मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग, मनाली में अच्छे, मनाली में और ज्यादा अच्छे है, शिमला में नहीं किया तो चलेगा, मनाली में आप बेटर। हाँ इसमें इंक्लूड करके ब्रैकेट में डाल दोगे तो भी चलेगा कि ये स्पॉट पे ये करना है वो है। ओके ओके ओके। इसमें जैसे लिखा ही है स्टार्टिंग में, देखो फन वर्ल्ड है ना सर, फन वर्ल्ड के अंदर सब एडवेंचर एक्टिविटीज है सर अंदर। हाँ लेकिन वो आप ब्रैकेट में डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। ओके 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 ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। जैसे एक बार आपका डिसाइड हो जाएगा ना, हाँ, तो कहाँ करना है आपको, कैसे करना, मैं आपको अलग से उसमें राइट में दे दूंगा, रिटर्न में दे दूंगा, ठीक है सर। तो उसमें देखो रिवर राफ्टिंग है उधर, अगर इनके स्नोफॉल हो गया वो टाइम पे, हाँ, तो आपको स्नो मोटर बाइक की स्कीइंग है, वो जॉबरिंग का है, और आपका फोटोग्राफी वगैरह तो याक के ऊपर या हॉर्स के ऊपर वो भी आप कर सकते हैं उधर, वो भी चलते हैं, हॉर्स राइडिंग है बराबर है। फिर फनवर्ल्ड में आपके जो रोप वे वगैरह भी उधर है, एक्चुअली रोप वे है और ट्रॉली सिस्टम है उधर भी ऊपर इसका है, वो भी एक आप एक्टिविटीज कर सकते हैं सर। एक्टिविटीज खूब है बहुत सारा उधर एडवेंचर का, पर वो डिपेंड ऑन है, पर जनरली कैसा होता है लोग एक दो करके ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि खर्चा भी बढ़ते हैं प्लस टाइम भी जाता, फिर उसमें दूसरा भी साइड सीन नहीं तो फिर वो कवर करना है, अगर उसमें ही ज़्यादा टाइम गया फिर साइड सीन कब करेंगे फिर, ये भी है सर। इवन इधर भी नेशनल पार्क है सर, इंदिरा टूरिस्ट पार्क है कुफरी में, शिमला में स्टार्टिंग में जू वगैरह है, इधर तो लाइव आप देख सकते हैं टाइगर वगैरह को उसमें, क्योंकि जू है ना वो अंदर जा सकते हैं आप उसमें देखने, ऐसा रहता है। उसके बाद आप मनाली का लोकल साइट सीन करके सेम फिर वापस मनाली में हॉल्ट है, सेकंड थर्ड भी आपका मनाली रहेगा जो सोलांग वैली है सर। और इनकेस अगर रोहतांग पास ओपन रहा तो इधर एक परमिशन लगता है एसडीएम कोर्ट से सर, वो हमारा गाड़ी ऊपर नहीं जाता, यूनियन का गाड़ी ऊपर जाता है, तो जो भी इसके नॉमिनल चार्ज होते हैं वो पे करके आपको मनाली में रोहतांग पास जाना है। जो अभी अपना गाड़ी से गए थे हम तो आपका अलग था वो टाइम पे, तब तक किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं था सर, अभी कैसे एसडीएम कोर्ट की इधर इसलिए प्लेस लिखा है ना, सिंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अलाउिंग ओनली लिमिटेड व्हीकल टू रोहतांग पास, मतलब वो कोर्ट से है एज पर मतलब परमिट ऑफ एसडीएम ऑफिस,
एसडीएम से हमें कोर्ट से वो परमिशन लेना पड़ता, परमिट बनता है, वो हम हेल्प करते हैं। अगर आप बोलेंगे ना हाँ मुझे जाना है 100% जाना, अभी बता दिया फॉर एग्जांपल वो जाना ही है ना रोहतांग पास में, क्या हाँ तो इसका जो भी एक्स्ट्रा रहता है ना सर कितना वो एडिशनल आप जगह पे दे सकते हैं जो भी आएगा इसका, अप्रोक्सीमेटली फिर भी एक 2,500 से 3,000 मिनिमम पकड़ो आप ऊपर जाने का विद परमिशन। कभी कभी वो कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं कि आपको कहीं शेयरिंग में डाल दें ताकि कॉस्ट दूसरे कपल के साथ डिवाइड हो जाए, नहीं तो सिंगल कपल के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उधर कैसे सर सब तरह के लोग आते हैं, खूब पैसे वाले भी आते हैं, बोलते ठीक है 5,000 तो 5,000, 8,000 तो 8,000, लेकिन हम अपने को ऐसा नहीं, अपने को अपने बजट में बैठा के अच्छे से प्लान करना है, जरूरी नहीं कि वो पैसा सही जगह खर्च हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेन थिंग ये है सर, आप भी 10,000 खर्च करते हैं, 500 रुपए की चीज है उसके लिए 2,000 दें तो मीनिंग नहीं है सर, राइट सर कुछ मतलब अब खर्चने को तो आप भी जहाँ 10 लगे वो आराम से खर्चेंगे आप 10, पर जहाँ जायज नहीं है उधर तो 2,000 ही ठीक है ना, जो एक्चुअल लेना है। रोहतांग पास के लिए अगर 5,000 है तो वो ज्यादा ही है, ज्यादा है सर, नहीं हुआ ही है अभी वो क्या होता है सर समर में तो इतना तकलीफ होता है ना, आप लीव नहीं करोगे तो बर्फाचा मुख्य जो पॉइंट है तो है रोहतांग पास मनाली मधन जो वर जातो ना लद्दाख वगैरह तो कनेक्टेड है पूरा, ऐसा है सर। तो इस तरह से ये जो परमिशन हम आपको अरेंज करके देंगे, गाड़ी अरेंज करके देंगे, पूरा आपका प्लान करके देंगे, इन केस अगर वो कॉस्ट ज़्यादा होता है तो हम आपको शेयरिंग में देंगे ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ठीक है सर। तो ये स्नो पॉइंट करने के बाद वापस आप आ जाएंगे, इन केस अगर आप रोहतांग पास नहीं जा सके कोई रीज़न, 99.99% तो जाओगे अगर आपने बोल दिया है तो 0.1% तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ रोहतांग पास सोलांग वैली हम लोग कवर करते हैं, ऐसा रहता है सर। यहाँ भी एडवेंचर एक्टिविटीज होता है, पैराग्लाइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अपन पहले जो पैकेज था अपना उसमें ये दोनों था ना, सोलांग वैली भी था और रोहतांग पास भी था, नहीं तो ये दोनों ही कवर करेंगे लेकिन वो फिर पॉइंट एक ही बचता है इनकेस परमिशन नहीं मिलता, नहीं मिली तो अभी क्या होता है सर वहाँ पे 90% क्लाइंट ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उसको लिमिट है एवरी डे व्हीकल्स का, तो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं मान लीजिए 1,70,000 दिन में, तो 70,000 को सबको परमिशन नहीं है, वहाँ अलाउड है 1,000 व्हीकल एवरी डे, तो यानी कि 5,000 से 10,000 आदमी ही ऊपर जाएंगे तो बाकी लोग परमिशन मिलेंगे नहीं, वो ओनली सोलांग वैली तो हो अपना जाएगे। इतना प्री प्लान अगर एक महीना प्री प्लान है तो होना चाहिए ना? नहीं आपको करके देंगे ना सर, आप तो मेरे लिए कैसे है अगर एक बार क्लाइंट ने बोल दिया ना, अगर आज भी बोला और कल जाता है फॉर एग्जाम्पल तो मैं मैनेज करके दूंगा एसडीएम कोर्ट से परमिशन, बिकॉज ऑफ हम लोकल है अपना वहाँ ऑफिस है सर मनाली में तो आपके लिए वो मैनेजेबल है, लेकिन दिक्कत ये है मैं दूसरे अल्टरनेट में क्या बता रहा हूँ, इनकेस 0.1% दूसरा कुछ वेदर का प्रॉब्लम हो गया, पॉलिटिकल कोई इश्यू आ गया, आप ऊपर नहीं जा सकते, सोलांग वैली तो अपना है ही है और चांस ऐसा है कि आपको हो सकता है सोलांग में स्नो मिले, पैराग्लाइडिंग है ना, पैराग्लाइडिंग अगर इनकेस सोलांग में अगर अच्छी स्नो आपको मिलती है तो आपको ऊपर खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, मेन थिंग तो आपका स्नो टारगेट है सर, वो तो इस पीरियड मनाली भी रहेगी, आज लाइव स्नोफॉल चालू है सर तो मनाली पण असेल तो आज ही तो पीरियड मे चा होता ना, त्यामुळे मला फक्त तिथेच होती रोहतांग पास, राइट सर फायनल करायचं। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहता है, तो ये सातवें दिन में क्या होगा फिर आप सॉरी छठा दिन आप आ जाएंगे मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ पूरा ट्रैवलिंग है सर, आपको पता है पूरा घाट है ऑन द वे, साइड सीन कुछ नहीं, नेचुरल ब्यूटी है ऑनली, जहाँ आपको लगता है फ्रेश अप चाय नाश्ता पानी रुकना है थोड़ा या किधर वीडियो शूट वगैरह अपना खुद का कपल के लिए बना रहे हो कर सकते हैं आप, बाकी ऐसा पॉइंट ऑन द वे कुछ है नहीं। रात में चंडीगढ़ पहुँचते हैं, रेस्ट करते हैं, डिनर लेते हैं आप, दूसरे दिन आफ्टर ब्रेकफास्ट चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, रोज गार्डन और लेक, ये साइड सीन करके हम बाद में दिल्ली में आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप दे देंगे। तो इन शॉर्ट इस तरह का ये पूरा प्रोग्राम है जिसमें हमारी तरफ से 7 दिन को आपको सेपरेट कार है, होटल अकोमोडेशन मिनिमम 3 स्टार सिमिलर होटल है, हनीमून किट है, ब्रेकफास्ट डिनर के साथ ऑल टैक्सीज इंक्लूड है और अपना जो होटल मिनिमम 3 स्टार के नीचे हम लोग देते नहीं है सर 3 स्टार सिमिलर, तो ये कंप्लीट विद साइड सीन आपका टूर हो जाएगा और बैक टू रिटर्न पुणे आ जाएगा। तो इस तरह का पूरा ये प्रोग्राम बनेगा सर। होटल वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह के अपने होटल जो रहेंगे। अभी थोड़ा सा क्या हुआ सर इम्प्लीमेंट हुआ है, पहले से और बेटर करने की हम लोगों ने कोशिश की है सर ताकि हाँ क्योंकि टाइम टू टाइम करना पड़ता है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन कैसे न्यू जनरेशन वाइज चेंज हो रहे हैं। अभी मैं नहीं पूछूंगा अभी अपडेट तो होना ही पड़ेगा राइट सर।
तो ये होटल है सर शिमला का, ये जितनी भी फोटो है ना डे नाइट अलग अलग एंगल से फोटो खींची हुई है, ये अप्रॉक्सीमेटली इसमें 50 रूम्स है सर टोटल, दिखने में ऐसा दिख नहीं रहा है। ये हिल पे है, हिल पे है सर, मेरे को हिल पे चाहिए एकदम, ये ऐसा हिल पे देखिए आप, यहाँ से जो ये फ्रंट दिख रहा है उसका बैक साइड पीछे को है, वहां से आपका कम से कम 30-40 किलोमीटर तक वैली व्यू बनता है ऐसी जगह पे, वॉल को वॉल नहीं है, प्रॉपर हिल पे है सर। हाँ एकदम इसका मतलब जो आगे व्यू है ना सर, वैली व्यू है कंप्लीट, पूरा नेचर नेचर दिखाई देगा। मैं आपको चाहिए तो गूगल मैप पे दिखा दूंगा, अभी इसको इस तरह के कलर में किया हुआ ठीक है सर, कैसा वो पुरानी फोटो ऐसी थी उस होटल की। तो ये क्या है, ये नाइट व्यू है, ये चर्च के पास ही है कि नहीं? नहीं लंबा है वहाँ से, 5-6 किलोमीटर लंबा है वहाँ से। लेकिन इसकी जो अकोमोडेशन है, सर्विस है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है फॉर एग्जाम्पल खाते हैं तो इधर आपको नॉन वेज मिलेगा टू नाइट स्टैंडिंग, प्योर वेजिटेबल आनी अगर आप चाहते हैं तो प्योर वेज है तो और अच्छी बात है। एक्चुअली हम लोग ना जनरली वेज ही देते हैं, आपको लास्ट टाइम भी बताया था हमने, पर अभी क्या हुआ है कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं तो बोलते हमें और नॉन वेज का ऑप्शन दो, तो अब हमने होटल ऐसा रखा फिर कि जिसमें अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो इधर आपको वेज है तो आपको प्योर वेज ही। वेज का किचन अलग है क्या? नहीं वैसा नहीं रहेगा सर, किचन तो सबका हर जगह कॉमन रहता है, पर प्योर वेज मिलेगा फूड आपको, उसमें कोई डाउट नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शिमला कैसे सर, ये देवी देवताओं की भूमि है हिमाचल, यहाँ पे ऐसा कुछ मिक्सिंग वाला काम कर ही नहीं सकते, ये 100% श्योर शॉट है। क्योंकि कैसे होता है, देवी देवता को पालने, आप खुद देखा होगा जैसे आप हिमाचल में एंट्री करते वहाँ स्टार्टिंग में लिखा है देवी देवताओं की भूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, क्योंकि ये उत्तराखंड जो पूरा उत्तरांचल बोलते हैं ना अपना, उत्तराखंड बोले तो हिमाचल उत्तराखंड में ही आता है पूरा, उत्तराखंड अलग स्टेट बाद में बना सर, पहले पूरा हिमाचल ही था, एक ही था ये हिमाचल ही बोलते थे उसको पूरा, मतलब माता पार्वती जो है हिमाचल राजा की लड़की थी, जो हिमाचल का इतिहास है सर, हिमालय की पुत्री ऐसा था। तो इस तरह की अकोमोडेशन है, एकदम डिसेंट है रूम, नीट एंड क्लीन, वेल प्लांट, सेफ एंड सिक्योर, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं भी आपको आएगा नहीं सर। उसके बाद मनाली का आपको दिखाता हूँ मैं, ये बाहर से ओपन व्यू है इसका होटल का, यहाँ आपको मैं बालकनी वाला रूम दे दूंगा सर ठीक है, क्योंकि यहाँ बालकनी मिलेगी आपको, बाहर का जो आप बोल रहे ना स्नो कवर्ड माउंटेन वो यहाँ से दिखेगा सर आपको ठीक है। और ये टाइप की इसकी अकोमोडेशन है, सिर्फ पर्दा बेडशीट कलर चेंज होगा टाइम टू टाइम जो है, लेकिन रूम एकदम स्पेशियस है, ऐसे ही फुल रहेगा। ओ हो जो है वो तो कहाँ चेंज होगा, सिर्फ पर्दा बेडशीट कलर चेंज होगा, बाकी तो एक्चुअल ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं। और ये स्पेशियस रूम है सर, ये उसका लॉबी एरिया वगैरह है, और एकदम नीट एंड क्लीन है, डिसेंट टॉयलेट बाथरूम अटैच, ये कुल्लू मनाली इन करके है सर, कुल्लू मनाली हाँ ऐसा है। ठीक है, ये देखो ऐसा बालकनी का व्यू है।